नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। इस वीडियो में आपको CSIR नेट दिसंबर 2017 के जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन करवाऊंगा। 1 से 15 क्वेश्चन तो हम वीडियो के पहले पार्ट्स में कर चुके हैं। अब हम करते हैं 16 क्वेश्चन से स्टार्ट। ए बायज एन कॉपी ऑफ बुक एट द 20% डिस्काउंट, बी गेट द सेम बुक एट द 30% डिस्काउंट। वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द बी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए। ए को क्या बताया गया है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे बुक मिली है, 20% पे मिली है। बी को कितने पे मिली है, 30% डिस्काउंट पे मिली है। ठीक है, ए यानी कितने परसेंट पे परचेज कर रहा है, 80% पे, और बी कितने परचेज कर रहा है, 70% पे। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, मिनिमम वैल्यू काउंट करनी है एन की, बुक्स की नंबर काउंट करना है फॉर विच बी कैन बाय, क्योंकि उसको क्या है, कम रेट में मिल रही है तो वो कितना एक एक्स्ट्रा कॉपी मिल सके, तो मिनिमम नंबर कितनी खरीदेगी दोनों इसको एक एक्स्ट्रा कॉपी मिले। ठीक है, इसको क्या मिल रही है, 80% पे, यानी 80/100। कॉस्ट प्राइस क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, नंबर कितनी है, एन बुक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनटू एन एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या मिलना चाहिए, एन प्लस वन, एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, दोनों इक्वल, अब इक्वल है ये। ठीक है, और इनटू में 70/100। ठीक है, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 8nx इज इक्वल टू 7n प्लस 7x, x से x कैंसिल हो गया, 8n इज इक्वल टू 7n प्लस 7, इसको इस तरफ ले आए, n इज इक्वल टू 7, तो मिनिमम नंबर क्या आ जाएगा, 7। ए विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 17th क्वेश्चन। ए बर्ड फ्लाइज अलोंग थ्री साइड्स ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बर्ड फ्लाई कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एट स्पीड ऑफ 248 किलोमीटर आवर रिस्पेक्टिवली द एवरेज स्पीड ऑफ द बर्ड। तो हमें क्या काउंट करना है, एवरेज स्पीड काउंट करनी है। एवरेज स्पीड कैसे काउंट करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टू कवर द थ्री, जो टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्स है एज्यूम कर लेते हैं हम, एक्स ये एज्यूम कर लेते हैं, एक्स ये एक्स ये एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 3x किलोमीटर डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल टाइम टू कवर द 3x बाय द बर्ड, यानी कि x बाय 2 प्लस x बाय 4 प्लस x बाय 8। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका, 8, यहाँ क्या आएगा, 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाय 8, ऊपर क्या है, 3x, 3x इंटू में 8 डिवाइड बाय 7x, x से x कैंसिल, 3 8 24 24/7, यानी कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 24/7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास 18th क्वेश्चन। एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ ए कंपनी इज 8000, ए न्यू गार्ड एंड ए न्यू मैनेजर आर रिक्रूटेड विद द सैलरीज ऑफ 5000 एंड 20000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द करंट स्टाफ स्ट्रेंथ इफ द न्यू एवरेज सैलरी इज 4000 मोर देन दैट ऑफ गार्ड। तो एवरेज कैसे काउंट करेंगे हम, एवरेज काउंट करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितनी है हमारी, 8000, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो क्या आ जाएगी, 8000x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करते हैं, इसने एवरेज की वैल्यू कितनी कर दी, एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ गई, एवरेज सैलरी 4000, यानी कि 4000 एक्स्ट्रा है गार्ड की सैलरी से, यानी क्या आ जाएगी, 9000 इज इक्वल टू वही 8000x प्लस क्या ऐड कर दिया उसमें, 5000 एक सैलरी ऐड कर दी और 20000 एक सैलरी ऐड कर दी, टोटल नंबर एक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितनी ऐड कर दी, 2 ऐड कर दी, तो इज इक्वल टू, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 9 इज इक्वल टू 8x प्लस प्लस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 8x प्लस 25, 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 18, x इज इक्वल टू 7,
एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स कितने ऐड किए थे उसमें, दो ऐड किए थे, 7 + 2 = 9, तो 9 विल बी इट्स आंसर। 19th क्वेश्चन है, ए 100 मीटर लॉन्ग फेंस इज टू बी मेड बाई फिक्सिंग ए वायर मैच ऑन द स्टील पोल, इच पोल हैज द 1 मीटर वर्टिकल पोर्शन एंड द 1 मीटर पोर्शन टिल्टेड एट द 45 डिग्री टू द वर्टिकल, वट विल बी द एरिया ऑफ द वायर मैच रिक्वायर्ड। यानी एक क्या है, हमें एक फेंस बनानी है जिसकी क्या है लेंथ कितनी है 100 मीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर, और वो क्या है 45 डिग्री पे क्या है स्लेंटेड है इस तरीके से, उसकी भी कितनी लेंथ है 1 मीटर, यानी टोटल कितनी हो गई लेंथ 2 मीटर, और लेंथ कितनी है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 200 मीटर विल मीटर स्क्वायर विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आर क्यू पी इज ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड ए इन ए कॉर्नर ऑफ ए बिग स्क्वायर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी ए इसके अंदर ये छोटा स्क्वायर है इस तरीके से, वट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी बी आर क्यू, पी बी आर क्यू इसकी रेशो पूछिए किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, टू डेज ऑफ ए बी सी डी गिवन दैट ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 3। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले हम निकाल देते हैं टोटल का एरिया यानी कि ए स्क्वायर, माइनस कर देते हैं ये हमारे पास क्या है एक 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये एरिया माइनस कर देते हैं और ये एरिया माइनस कर देते हैं और फिर ये माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस 1/2 इसकी कितनी है विड्थ ए इंटू, सॉरी लार्ज ये आएगा इंटू ए, यहाँ क्या है कितनी विड्थ है इसकी ए, ए माइनस ए, इसी तरीके से इस ट्रायंगल की हो जाएगी माइनस 1/2 इंटू ए ए माइनस ए, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, अगर ये स्केयर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा माइनस ए स्केयर, ए स्केयर माइनस और माइनस प्लस हाफ ये था हाफ ये था, क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा माइनस ए इंटू ए माइनस ए माइनस ए स्केयर, ए स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए ए माइनस ए स्केयर, गिवन क्या है हमारे पास ए ए डिवाइड इज इक्वल टू 3, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 ए, इससे ये कैंसिल हो गया। हेयर साइन विल बी प्लस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रख लेंगे हम 3 ए के इक्वल रख लेंगे 3 ए इंटू ए माइनस ए स्केयर, 3 ए स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 2 ए स्केयर। अब इसकी रेशो काउंट करनी है, यानी इसका एरिया आ गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का, दोनों की रेशो काउंट करनी है, यानी इसके डिवाइड बाई में टोटल एरिया हो जाएगा 2 ए स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमारे पास 2 ए स्केयर डिवाइड बाई 3 ए का स्केयर इज इक्वल टू 2 ए स्केयर डिवाइड बाई 9 ए स्केयर, ए स्केयर से ए स्केयर का आंसर 2/9, तो 2/9 विल बी इट्स आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।